Hi guys, this is Jian. You are watching Work It Hour, Job Helpful Friends. ये वीडियो आज का वीडियो होने वाला है रिव्यू का वीडियो, तो इसको पूरा देखें, एंड तक देखें, क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाला है। काफी कैंडिडेट्स, काफी जो है लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, कॉल्स करते हैं कि सर आप वीडियो तो बहुत बना दे, लेकिन कभी एक आध रिव्यू वीडियो डाला कीजिए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि जो है रियल कंपनी में काम चल रहा है नहीं चल रहा, रियल कंपनी है कि नहीं है, कुछ प्रूफ लगे, कुछ आपको लगे कि नहीं वास्तव में ऐसी कंपनियां है और काम चलता है, हर कैंडिडेट्स आता है, ज्वाइन होता है। तो गाइस आपको देने वाला हूं मैं आज सिक्योरिटीज कंपनी का रिव्यू। अच्छी, बहुत अच्छी कंपनी है ये, बहुत अच्छा जो है सैलरी देती है, प्लस बहुत अच्छा बेनिफिट्स रहता है, प्लस इसके अलावा कि इसमें जो है आपका, जैसे मैं हम हर एक वीडियो बोलता हूँ कि ना तो एज लिमिट रहती है इसमें, ना कुछ एजुकेशन रहता है, और जो बहुत सारी फैसिलिटीज रहती है। तो गाइस हम लोग सीधा चलते हैं वहां पे सिक्योरिटीज ऑफिस का रिव्यू देखने के लिए। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस आज हम आए हैं अपने सिक्योरिटीज ऑफिस में, तो देखिए कैसा दिखता है। मतलब जस्ट इंटर होते ही आपको ऐसे अलग शर्ट दिखेगा और ये कांच का डोर, मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। राइट साइड में अपने जो है ये अकाउंटेंट है, अकाउंट का काम करते हैं और पूरा मतलब संभालते हैं यहाँ पे, मतलब जो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सभी। और इसके अलावा ये फील्ड का काम देखते हैं, मतलब अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जैसे इंदर घुसते तो इंदर में बैठने के लिए भी अच्छा बनाया हुआ है, और ये अपना छोटा केबिन हो जाता है यहाँ पास में। इसके अलावा अब मैं ऑफ़िस की बात करूँ तो एक छोटा सा ही ऑफिस है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आपको पूरी अच्छी मिलती है, मतलब सब कुछ फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अपने जो है मेन हेड है जो सिक्योरिटीज़ कंपनी के, उनसे बात करते हैं, मनोज जी से। हेलो सर। हाँ। तो सर बताइए कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है आपके पास वैकेंसी अवेलेबल है? हाँ, अभी 10 वैकेंसी खाली चल रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड्स में? सिक्योरिटी गार्ड्स। चलिए सर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की है। अच्छा 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 सर, ये बताइए कि सिक्योरिटी गार्ड की बेसिक सैलरी आप लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो क्या रहती है? अभी तो बेसिक हम लोग 12,000 दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और गोटी आटी लगा के सब 15-16 तक पड़ जाती है। अच्छा अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि, मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक बंदा जो है आराम से 15,000-16,000 कमा सकता है? हाँ, एक बंदा 15,000-16,000 तक आराम से कमा लेते हैं। अच्छा 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 सर, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैसिलिटी में आप क्या देते हैं, या खाने की फैसिलिटी या फिर रहने की फैसिलिटी कुछ ऐसा? हाँ, रूम एकोमोडेशन हम लोग फ्री देते हैं, जहाँ भी ड्यूटी रहेगी वहाँ एकोमोडेशन रहेगा उन लोग का, और खाने का उनका खुद का ही रहता है। और बीच में जैसे अगर हफ्ता 10 दिन में अगर खाने के लिए कुछ पैसा वैसा चाहिए एडवांस फैसिलिटी, तो वो दे देते हैं। अच्छा 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 सर, एक और बात बताइए मुझे कि मान लो कोई बाहर से आदमी आता है, उसके पास पैसा नहीं है, और जो है कहीं कहीं दूसरी कंपनी में जाते थे, वो यूनिफॉर्म का सर जो है हमसे 2,000 रुपये लेती है, 3,000 रुपये लेती है पहले जाते ही, तो सर ऐसी कुछ फैसिलिटी है आपके पास, या फिर उसका जो है उसमें सैलरी से ही कुछ डिडक्शन वगैरह कुछ ऐसा कुछ बताएंगे? नहीं, यूनिफॉर्म का जो है वो हम मतलब उनकी सैलरी से ही डिडक्शन करवाते हैं, क्योंकि बंदा गांव से आता है और वो कोई ज़्यादा पैसे वाले लोग तो है नहीं, एक मजदूर लेवल के लोग हैं, तो उनके पास में कहाँ से पैसा है। सो हम जब सैलरी होती है तो उसमें ये 1 मंथ सैलरी में फर्स्ट पेमेंट में ही डिडक्शन करवा देते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात। अच्छा मान लो सर कि एक बात बताइए कि सर यूनिफॉर्म का आप कितना क्या चार्ज करते हैं? अभी फिलहाल में 1,600 हम लोग चार्ज कर रहे हैं, पहले 1,200 कर रहे थे। अच्छा अच्छा सर, जो 1,600 रुपीज था वो वन टाइम डिडक्शन रहता है या फिर मंथली डिडक्शन रहता है? उसमें एक्चुअली डिपेंड ऑन कैंडिडेट, अगर हमें लगता है कि नहीं कैंडिडेट ठीक है तो दो महीने में कर देते हैं, नहीं तो एक ही महीने में कट कर देते हैं। अच्छा सर, इसमें आपका कंपनी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है कि पढ़ा लिखा बंदा ही चाहिए, या हाइट होना ही चाहिए, या फिर जो है इतना एज होना चाहिए, कुछ ऐसा क्राइटेरिया रहता है क्या? हाँ, एज लिमिट अभी जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद में जब ये गया तो उसके बाद हमने एज लिमिट थोड़ी कर दी है, क्योंकि 45-50 से नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, और गवर्नमेंट ने भी यही बोला है कि 50 से नीचे ही काम कराइए, अगर ज़्यादा एज है तो दिक्कत रहती है। अच्छा अच्छा, तो अभी 50 के अंदर ही ले रहे हैं। अच्छा, पहले हम लोग चला रहते थे। अच्छा सर, एजुकेशन के मामले में? एजुकेशन के मामले में देखिए, अलग अलग यूनिट का अलग अलग क्वालिटी रहता है, तो
जहाँ पे एजुकेशन बंदा चाहिए वहाँ पे एजुकेशन बंदा ही डिप्लॉयड होता है, और जहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल बिना पढ़े लिखे लोग चल जाते हैं तो वहाँ पे बिना पढ़े लिखे लोग भी डालते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि जो भी काम लेने के लिए आया है और जहाँ से जितना होता है उसके लिए हमें करना चाहिए, वो पढ़ा लिखा है अन्यथा बिना पढ़ा लिखा है, लेकिन हमें उनकी जो देख रेख है वो करनी चाहिए। अच्छा सर, अभी आपके कंपनी में या फिर फ्यूचर में या फिर पास्ट टाइम में लेडीज़ का या फिर कुछ लड़की लोगों का या फिर वुमेन्स के लिए कुछ वैकेंसीज रहती है क्या? वुमेन्स की वैकेंसी कुछ 10% ही रहती है, 90% लड़कों की ही रहती है। और वुमेन्स की जो वैकेंसी है कि मतलब जहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ लोग काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पे एक लेडीज़ या दो लेडीज़ ही रिक्वायरमेंट रहती है। सो अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो हमारा मानना है कि 100 में 10% लेडीज़ है और 90% जेंट्स है। अच्छा सर, वो तो बात हो गई सब कुछ। अब ये बात बताइए सर कि जो पेमेंट का सिस्टम है, आपका पेमेंट का क्या फॉर्मूला है? कितने टाइम में कितने डेट को आप पेमेंट करते हैं? लड़के लोगों को इन हैंड देते हैं या इन जो है अकाउंट देते हैं? क्या सिस्टम है सर आपकी कंपनी का? 10 से 12 तारीख के अंदर सैलरी हो जाती है और सभी का अभी पहले इन हैंड कैश में दे रहे थे, अभी 3-4 साल से तो पूरा हमने अकाउंट में सिस्टम बना दिया है, क्योंकि भाई आज के ज़माने में हाँ डिजिटल भी नहीं है तो डिजिटल इंडिया है, और मोदी जी का भी ये कहना है कि इंडिया को जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए, तो इसी वजह से हमने भी सोचा है कि मतलब बंदे के पास में पूरा पैसा पहुंचे तो उसके अकाउंट में जाएगा तो बेहतर होगा। चलिए अच्छी बात है सर। तो गाइस एक्चुअल मैं बताऊँ तो कि ये था अपना एक सिक्योरिटीज़ कंपनी, जो हम लोगों के कैंडिडेट्स काफ़ी आते जाते रहते हैं, यहाँ पे ज्वाइन होते रहते हैं। रिव्यू में आपने देखा होगा कि जो है मेन सर जो MD सर थे हमारे, उनका जो कुछ उनसे बातचीत हुआ था, सैलरी के बारे में सब कुछ जो आपको बताया था, और बाकी जो है आपको लोकेशन वगैरह जो है गूगल में मिल जाता है हमारी कंपनी का, और रेफरेंस के तौर पर हमारा नंबर रहता ही रहता है अंदर में। तो फ्रेंड्स, ये था थोड़ा एक सिक्योरिटीज़ कंपनी का रिव्यूज़। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा सिक्योरिटी कंपनी का रिव्यूज़, जैसा कि आपने देखा और जैसा कि हम लोगों ने वहाँ की जो मेन इंचार्ज है उनसे बात किया था कि कैसे क्या टाइमिंग रहता है, कैसे जो है वो लोग लड़के लोगों को सैलरी देते हैं, क्या जो है सैलरी का पैकेज रहता है, सैलरी का टाइमिंग क्या रहता है, कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है, सारा का सारा डिटेल्स आपके सामने उन्होंने क्लियर किया। तो फ्रेंड्स, ये जॉब्स हम लोगों के पास एनी टाइम्स रहती है, अवेलेबल रहती है, आप जब चाहे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली हम लोगों के पास 10 से 15 वैकेंसी चलती रहती है, तो वो तो एक 15 से 10 15 वैकेंसी रिसेंटली चलती रहती है। इसके अलावा जो है बहुत सारी जॉब्स आती रहती जाती रहती सेम कंपनी में, सिक्योरिटीज कंपनी में, सिक्योरिटीज जो है सिक्योरिटी गार्ड हुआ, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हुआ, हाउसकीपिंग का हुआ, इसके अलावा बहुत सारे इनके पास जो काम आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने छोटा सा वीडियो देखा था, ये बहुत ही हेल्पफुल था, उम्मीद और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम कुछ और नई अपडेट्स जॉब के साथ और कई पेपर और एक कुछ अच्छी कंपनी का रिव्यूज लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।